हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आदर्श विजयबिन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियल नर्व के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्स में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होती है, हमारी ये लैटरल रूट होती है, ये हमारी दिस इज मीडियल रूट, एक हमारी होती है पोस्टीरियर जो कार्ड होती है हमारी, दिस इज पोस्टीरियर कार्ड, दिस इज लैटरल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड एंड मीडियल कार्ड हमारी मिल के बनती है C5, C6, C7, C8 एंड T1 से मिलके बनता है हमारा रेडियल नर्व। तो ये हो गई हमारी रेडियल नर्व, ये होती है हमारी पोस्टीरियर कार्ड। तो पोस्टीरियर कार्ड ये सॉरी रेडियल नर्व कौन कौन से, रेडियल नर्व की नर्व रूट कौन कौन सी होती है, C5, C6, C7, C8 एंड T1 होती है, मतलब ऑल नर्व रूट आर इन्वॉल्व इन द रेडियल नर्व। तो इसके पहले हम बात करेंगे जो रेडियल नर्व होती है हमारी, ये हो गई हमारी रूट की बात ब्रेकियल प्लेक्सस में। तो हम बात करते हैं रेडियल नर्व की। तो रेडियल नर्व जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियल नर्व होती है हमारी एक्जिला टू हैंड जाती है। तो एक्जिला से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्जिला से स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बता दिया कि नर्व रूट होती है जो C5 to C8 एंड T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड की होती है। तो अब हम बात करेंगे इसके कोर्स के बारे में। तो कोर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा रेडियल नर्व। तो ये रेडियल नर्व हमारी आती है एक्जिला रीजन में। तो एक्जिला में आर के फिर इंटर कर जाती है हमारे आर्म में, आर्म इंटर करने के बाद हमारे फोर आर्म में जाती है। तो ये हो गया हमारा एक्सिला। आर्म हो गया और ये हमारा हो गया फोर आर्म। क्योंकि हमारा फोर आर्म एक्जिला आर्म एंड फोर आर्म। तो हम बात करेंगे हमारा एक्जिला में क्या करते हैं हम, एक्जिला में आती है हमारी, जब ये हमारी एक्जिला में आती है फिर आती है आर्म में। आर्म में आने के बाद जब आर्म में आती है ये फोर आर्म में इंटर करती है, जैसे इंटर करती है फोर आर्म में ये दो नर्व डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल एक डीप में हो जाती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्जिला रीजन से। तो एक्जिला रीजन में आने के बाद जो हमारी नर्व एक्जिला रीजन जो हमारी रेडियल नर्व आती है, तो सर यहाँ पे एक्जिला रीजन तीन ब्रांच देती है। तो फर्स्ट जो रेडियल नर्व होती है हमारी तीन ब्रांच कौन कौन से देती है, एक देती है हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। एंड सेकंड वन देती है एक लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स का लेटरल हेड को देती है, एक मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को देती है, दिस वन मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स या पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड ये हो गया हमारा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ये हो गया हमारा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। हम बात करेंगे आर्म में। तो आर्म जैसे हमारी नर्व इंटर करती है यहाँ पे होता है एक रेडियल सल्कस जस्ट साफ्ट ऑफ द हैंड साफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पे एक रेडियल सर्कस होती है। तो हमारी रेडियल नर्व आती है रेडियल सर्कस से मीडियल टू लैटरल साइड ये चली जाती है, डिसेंड कर जाती है डाउनवर्ड लैटरल साइड। तो लैटरल साइड ये लैटरली हमारे हैंड में चली जाती है कहाँ पे, फोर आर्म तक। तो यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे होता है लैटरल लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स होता है, सॉरी ये लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है, यहाँ पे आती है एक नर्व फाइबर देती है हमारे लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, दिस इज लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, दिस इज लैटरल क्यूटेनियस ऑफ एक। यहाँ पे टोटल जो होते हैं सिक्स नर्व सप्लाई देती हैं, सिक्स नर्व फर्स्ट होगी, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमारी एंड फिफ्थ एंड सिक्स लॉन्ग हेड सॉरी लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, क्योंकि लेटरल ऑफ ट्राइसेप्स एक हो गई लेटरल क्यूटेनियस ऑफ आर्म। तो एक इनर सप्लाई होती थी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दिस इज लेटरल क्यूटेनियस आर्म हो गया। एक हो गई हमारी एनकोनियस,
होगी हमारी एनकोनियस, एक होगी हमारी ब्रेकियोरेडियालिस, बी आर फॉर ब्रेकियोरेडियालिस, ये होगी हमारी ब्रेकियोरेडियालिस, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व फोरम, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म, ये हो गई हमारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व फोरम, एक ही हो गई हमारी ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये होगी हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, ये हमारी सिक्स हो गई जो हमारे आर्म में देती है। तो आर्म यहाँ पे रेडियल सल्कस की हम बात करेंगे तो लाइजिंग होती लंग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसिस के बीच से हो जाती है, और प्रोफुंडा ब्रेकियाई भी होती हैं। तो ये होगी हमारे रेडियल सल्कस, रेडियल सल्कस, रेडियल सल्कस बात करेंगे, ये हमारी आर्म की बात। उसके बाद हम बात करें एक हमारी जो नर्व सप्लाई देती है हमारे एल्बो जॉइंट को, जैसे फोरआर्म है, फोरआर्म आर्म के बीच में एल्बो जॉइंट होता है, तो एक नर्व सप्लाई एल्बो जॉइंट को भी देती है हमारी रेडियल नर्व। तो ये एल्बो जॉइंट की हो गई। अब उसके बाद बात करेंगे जो हमारे फोरआर्म में कौन कौन सी नर्व सप्लाई देती है। तो फ्रंट ऑफ आर्म की बात करेंगे, इसके पहले हम बात करेंगे एक्जिलम से आने के बाद जो एक्जिलम में होता है यहाँ पे एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री जैसा कि मान लीजिए हमारा ये शाफ्ट है, ये हमारा ह्यूमरस बोन का शाफ्ट है, और यहाँ पे एक होती है एक लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स की आती है कुछ इस साइड इस तरह से, तो लॉन्ग हेड ट्राइसेप्स की आती है इस तरह से, और यहाँ पे होता है टीरिस मेजर मसल, तो ये एक ट्राइंगुलर स्पेस बनाता है जो इस पर हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस पढ़े थे, उसमें एक स्पेस आता है, यहाँ से निकलती है हमारी रेडियल नर्व, ये रेडियल नर्व रेडियल आर्टरी एंड वेन तीनों यहाँ से निकलती हैं, तो ये हमारी रेडियल नर्व यहाँ से निकलती है, तो इसका जो बाउंड्री बनाता है ये ह्यूमरस का शाफ्ट होता है, यहाँ पे जो एक होती है सुपीरियर साइड टेरिस मेजर मसल होती है, और ये हमारी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स होता है। तो और इसका जो रूफ बनाता है रेडियल सल्कस का लॉन्ग हेड ऑफ ट्राई सॉरी लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ट्राइसेप का लेटरल हेड रूफ बनाती है रेडियल सल्कस का। तो अब हम आगे बात करेंगे फोरआर्म में, फोरआर्म में जो होता है हमारा इसमें कई ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच देती है हमारी दीदी सुपरफिशियल ब्रांच एंड दिस इज डीप ब्रांच, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच हुई। तो ये सुपरफिश जो डीप ब्रांच होती है ये देती है एक ब्रांच हमारे सुपीनेटर मसल को, इसमें भी कई ब्रांचेस होती हैं, एक देती है हमारी एक्सटेंसर कार्पा रेडियल ब्रेविस को, एक देती है एक्सटेंसर डिस्टाई एक्सटेंसर डिस्टोरम को, एक देता है हमारा एक्सटेंसर डिस्टाई मिनिमाई को, एक एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस, और ये देती हैं एक इन्फीरियर रेडियल नर्व जॉइंट को, एक रिस्ट जॉइंट को। तो ये हो गई हमारी टोटल फोरआर्म की। तो फोरआर्म में कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 ब्रांचेज हैं ये जो हमारी होती है फोरआर्म के पोस्टीरियर साइड की हम बात कर रहे हैं, तो एंटीरियर साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पोस्टीरियर साइड की अपने बैक साइड की बात कर रहा हूँ फोरआर्म की। तो ये फर्स्ट नेमिंग कर देते हैं, ये हमारी होगी सुपीनेटर, होगी हमारी सुपीनेटर एक्सटेंसर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर डिस्टोर डिस्टाइमिन माई, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस कार्पाई अल्नेरिस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस, लास्ट में जो होती है हमारी इन्फीरियर इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये हुई हमारी इन्फीरियर एक होती हमारी रिस्ट जॉइंट को सप्लाई देती है हमारी रेडियल नर्व। तो जो हमारी यहाँ पे होता है ये
ये तुम्हारी एक्सटेंस एबडक्टर पॉलिसी, लंग एक्सटेंसर पॉलिसी, वेरी एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस, ये तीनों मसल होते हैं ये हमारे क्यूबॉटल फोसा में, सॉरी ये हमारी जो थी एनाटॉमिकल स्नम बॉक्स में हेल्प करती हैं। तो जो एनाटॉमिकल स्नम बॉक्स होता है उनकी मसल होती हैं तुम्हारी जो यहाँ पे देखते हैं एनाटॉमिकल स्नम बॉक्स होता है तो उसमें उनकी मसल होती हैं, जबकि हमारी सुपरफिशियल जो ब्रांच होती है इसको लीव कर जाती है, सीधा चल जाती है हमारी हैंड में सप्लाई देती है। तो एनाटॉमिकल स्नम बॉक्स जो होते हैं ये हमारे डीप ब्रांच की मसल होती हैं, तो पोस्टीरियर साइड की डीप ब्रांच की मसल होती हैं। तो ये हमारी होगी तो क्यूबॉटल फोसा की, और हम क्यूबॉटल फोसा में बात करें तो जो हमारी डीप ब्रांच होती हैं सप्लाई करती हैं एक्सटेंसर कार्पा, रेडियलिस, ब्रेविस, सुपीनेटर मसल। तो ये होगी हमारे क्यूबॉटल फोसा की बात। अब हम बात करेंगे जो ये हमारी ब्रांच होती है सुपरफिशियल ब्रांच आती है हमारे हैंड में, तो हैंड में आने के बाद होगी हमारा हैंड और हैंड। तो हैंड में आने के बाद वहाँ क्या करता है कि हैंड में जो होती है यहाँ पे स्किन ऑफ द हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड यहाँ पे सप्लाई करती है ये स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ हैंड। ये हो गई हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है, जो भी हमारी सुपरफिशियल ब्रांच। तो हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया गाइस, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसमें हम एक बार रिवाइज भी करेंगे आपको और एक बार क्लियर कर देंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू गाइस। पहले हो तो आप जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।